सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक हदीस सुनिए जिसमें एक वाकया है, सही मुस्लिम की रिवायत है। एक सहाबा फरमाते और कहते हैं कि मैं एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और खिदमत में हाजिर होकर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया। सवाल क्या किया? ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मेरी ज़िंदगी में दुनिया से चले जाए और मैं ज़िंदा रहूँ आपके बाद, हो सकता है आप मेरी ज़िंदगी में चले जाए और मैं ज़िंदा रहूँ, तो कुछ ऐसी नसीहत कीजिए कि आपके जाने के बाद वो अमल मैं करता रहूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया से जब चले जाएंगे तो मैं अगर उसके बाद ज़िंदा रहूँ तो मैं चाह रहा हूँ आपसे ये पूछना कि अगर मैं ज़िंदा रहूँ तो क्या अमल करूँ। गौर से सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किस इंटेंसिटी का हो रहा है, आपके जाने के बाद अगर मैं ज़िंदा रहूँ तो कौन सा अमल करूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमा कहा, ईज़ा रसा चीज़ों को रास्ते से अलहदा कर दो, नुकसान देने वाली चीज़ों को रास्ते से अलहदा कर दो। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुनिया से जाने के बाद क्या करने का सवाल हुआ, फरमा रहे रास्ते से तकलीफदेह चीज़ों को हटा दिया करो। कैसी नसीहत की प्यारी! और उस नबी के उम्मती रोज़े क़यामत अपने नबी को क्या जवाब देंगे जो नबी ये वसीयत करके जा रहा है कि रास्ते से तकलीफदेह चीज़ को हटा देना, और हम रास्ते में तकलीफ देने वाले बन गए। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।